जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 9 है। तो पॉइंट नंबर 9, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है। एक्सरसाइज नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर 1 और पॉइंट नंबर 9, यानी इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, जिसमें ज़िला की लंबाई है 18 cm। तो हमने मालूम करना है मुरब्बे का अहाता, यानी हमने बैर से इसका परिमीटर मालूम करना है। जैसा कि ये एक साइड बताई गई 18 cm, फिर 18 cm और फिर 18 cm, यानी एक साइड हमें बताई गई, हमने चारों साइडें फाइंड करनी हैं। तो जब एक बड़ा एरिया होगा तो उसकी एक साइड का हमें पता होगा, तो हम ये फार्मूला लगा के आसानी से उसका परिमीटर यानी अहाता मालूम कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे मुरब्बे का अहाता इज़ इक्वल टू 4 × ज़िला 4 × साइड। तो एक साइड हमारे पास मौजूद है, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी ज़िला की जगह ज़िला की कीमत दर्ज कर देंगे, साथ cm भी लिखना है। इसको मल्टीप्लाई करने से मुरब्बे का अहाता निकल आएगा। तो आपने इसको ज़रब करना है, तो 18 × 4 = 72 होता है। अगर आपको टेबल अच्छी तरह नहीं आते हैं तो आप इसको 4 × इस तरह, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 × 8 = 32। तो यहाँ पर 2 और 3 हासिल, 4 × 1 = 4 और 3 = 7। डियर स्टूडेंट, इस तरह इसका आता है 72, यानी 18 × 4 = 72। 72 के साथ आपने लिख देना है cm। तो इधर आप लिखना है पस मुरब्बे का अहाता, और ये इसका पहले हिस्से का आंसर आ जाएगा, यानी सबसे पहले ज़िला की लंबाई और फिर मुरब्बे का अहाते का फार्मूला और ज़िला की कीमत यहाँ पे दर्ज करनी है, और ज़िला को आपने 4 के साथ ज़रब देना है। तो इस तरह से इसका आंसर निकल आएगा। चलते हैं दूसरे, चलिए इसका दूसरा हिस्सा हल करते हैं। सबसे पहले ज़िला की लंबाई बराबर है 18 cm, और हमने मालूम करना है यहाँ पर मुरब्बे का रकबा। तो मुरब्बे का रकबा का फार्मूला लिखना है, ज़िला ज़रब ज़िला, तो यहाँ पर कीमत दर्ज कर देनी है 18 cm × 18 cm, और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप मुरब्बे का रकबा मालूम कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख देना है 7 प्लस मुरब्बे का रकबा। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना है 18 × 18। अगर आपको टेबल आते हैं तो फिर तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि 324 आता है, और अगर टेबल नहीं आते हैं तो फिर आप डियर स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 × 8 = 64, तो यहाँ पर 6 हासिल हो जाएंगे, 8 × 1 = 1 और 6 = 14, यहाँ पर 14 आ जाएगा। फिर साइन बनानी है यहाँ पर क्रॉस की, 1 × 8 = 8 और 1 × 1 = 1, और जब आप इनको जमा करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा 4 × 8 = 4 = 12, 1 हासिल हो गया यहाँ पे, 1 और 1 = 2 और 1 हासिल वाला 3, तो 324, यानी 324 cm² हो जाएगा, 324 cm². तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप मुरब्बे का रकबा मालूम कर सकते हैं, और साथ आपने लिख देना है पस मुरब्बे का रकबा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने चूँकि पहले रियाजी स्टार्ट की थी इस चैनल पर, तो फिर बीच में से कुछ स्टॉप करके कुछ और तरह की वीडियोस डालनी शुरू कर दी थी। अब हम फिर मैथ की तरफ आए हैं, और इंशाल्लाह आपको 5 क्लास की मुकम्मल मैथ जो है हमारे इस चैनल से मिलेगी। हमने 8.1 से स्टार्ट किया है, 8.1 से पहले जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद जितने चैप्टर्स आएंगे इन सब को पहले हम हल करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो पहले वाले चैप्टर रहते हैं उनके क्वेश्चन भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर डाल रहे हैं। थैंक्स वॉच करने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने क्लास फेलोज़ में इसको शेयर कीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं इसकी लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।